हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना पे। और आज जिस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का दादरी। और उत्तर प्रदेश के दादरी में ही एक यहाँ पर जंक्शन है जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का है, और ये ठीक मेरे पीछे है जो कि है न्यू बोराकी जंक्शन। जितने भी स्टेशन अगर आप देखोगे उसमें अगर न्यू जहां पे भी लग जाए तो समझ जाना कि वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का स्टेशन होने वाला है। और इस जगह पर दादरी वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना के लिए, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो दो परियोजना है ईस्टर्न और वेस्टर्न, वो दोनों यहाँ पर आपस में मिलते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्यों यहाँ पर दोनों मिलते हैं ये सब कुछ बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कितना कुछ काम हुआ है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम और आप मिलकर देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना पे, और ये भी बताऊंगा कि क्यों खास है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना इस देश के लिए। इस तरफ आप आगे जाएंगे तो इसी तरफ है दादरी जहां से स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा दूर है नहीं भाई, सिर्फ यहां से 1 किलोमीटर है। तो यहां पर पिछली बार जब मैंने आपको काम दिखाया था तो इस अंडरपास का निर्माण किया जाना था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो इस अंडरपास का निर्माण भी कर लिया जा चुका है। ट्रैक भी यहां पर डाल दिया जा चुका है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो पोल है वो भी लगा दिए जा चुके हैं, इसके ऊपर जो वायर है वो भी लगा दिया जा चुका है। और अच्छी बात बताऊं तो यहां पर अब हर दिन ट्रायल रन किया जाता है इन लोगों की मदद से, और ये इस वक्त पे भी वही कर रहा है। इस जगह पर स्टेशन का हिस्सा है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो ट्रैक आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहां पर टोटल आपको 7 ट्रैक्स देखने को मिलेंगे, 2 जो कि ऑलरेडी पूरे अलाइनमेंट पे है, जैसा कि एक अप के लिए एक डाउन के, लेकिन एक्स्ट्रा जो ट्रैक यहां पर दिए गए हैं, एक्स्ट्रा जो लाइन यहां पर दी गई है वो दी गई है ताकि अगर ट्रेन इस जगह पर रुकना चाहती है तो बड़े आसानी से वो यहां पर रुक सकते हैं, और इसी वजह से एक्स्ट्रा ट्रैक का प्रोविजन किया गया है। अब आपका सवाल होगा कि कितने लंबे हिस्से पे 6 ट्रैक इन्होंने डाला है, तो तकरीबन 3 किलोमीटर लंबे हिस्से पे 6 ट्रैक यहां पर डाला गया है DFC द्वारा, और इस जगह पर जिस कंपनी ने काम किया था वो है टाटा। आगे जाओगे तो इस पॉइंट पे यहां पर ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, और ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। तो इसी जगह पर ये दोनों आकर मिलते हैं, और दादरी में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आकर मिल रहा है और दादरी से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टार्ट हो रहा है। अब दादरी से आप पूछोगे कि क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दादरी में ना सबसे बड़ा पोर्ट है NCR का, और दादरी का जो पोर्ट है उसको कनेक्ट कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में है। और तो और अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर इंडियन रेलवे की एक्टिव लाइन भी दिखेगी जी। तो ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो ये इंडियन रेलवे का एक्टिव लाइन है, जिसके ऊपर अभी आपको ट्रेन दिख भी जाएगा। अभी तो मालगाड़ी इसी ट्रैक को यूज कर रही है, लेकिन जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो फिर इंडियन रेलवे की ये जो लाइन देख रहे हो इस पे सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर गाड़ियां चलेंगी, और इस वाले पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, और इसी वजह से इसका निर्माण किया जा रहा है ताकि मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी को अलग किया जा सके। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हमारा आपका भी बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेन है वो तय वक्त पर एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचा देगी, क्योंकि मालगाड़ी को साइड कर दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उस ट्रैक पे क्या दौड़ेगी, पैसेंजर गाड़ियां। और इसी वजह से इस देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। 2 परियोजनाएं इस वक्त पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की चल रही है, एक है ईस्टर्न दूसरा है वेस्टर्न। ईस्टर्न जो कि स्टार्ट होता है पंजाब के लुधियाना से, जा रहा है वो वेस्ट बंगाल तक, और वेस्टर्न जो कि स्टार्ट होता है इसी जगह से दादरी से, और ये जा रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र तक। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो परियोजना है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इसके जरिए इस देश का जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, और फिर आप अपने सामान को तय वक्त पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। रेलवे के जरिए सबसे कम लागत आता है किसी सामान को पहुंचाने में, इस वक्त पर होता यूं है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है अगर आप रेलवे के जरिए अपने सामान को भेजते हैं तो, लेकिन जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन बन जाएगी तो आपका सामान तय वक्त तक पहुंचाया जा सकता है।
इन डेडिकेटेड फ्रेट की ट्रेनों द्वारा। अब आप वैसे सोच रहे हो कि भाई ये किस जगह पर जंक्शन बना दिया है, तो मैं आपको बताऊं, बहुत ही परफेक्ट जगह का सिलेक्शन किया है जंक्शन बनाने के लिए, क्योंकि इसी जंक्शन के ठीक सामने देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो एनसीआर का सबसे अच्छा या सबसे प्लांट अगर मैं आपको कहूं इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो यही है, ग्रेटर नोएडा। यहां पर आपको रोड भी अच्छा दिखेगा, सर्विस रोड भी अच्छा दिखेगा, और साथ ही साथ बहुत अच्छे ढंग से प्लान भी किया गया है इसको। इस जगह पर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑलरेडी आपको बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियां हैं वो आपको दिखेंगे, जैसे कि सामने यहां पर देखोगे तो ये हायर का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और तकरीबन 10,000 के आसपास लोग यहां पर शिफ्टों में काम करते हैं। आगे अगर यहां पर देखोगे तो बहुत सारे मोबाइल का यहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी दिखेगा। तो इन सभी को अगर माल पहुंचाना है तो इस जंक्शन का इस्तेमाल करने वाले है ना। उसके अलावा यहां से 5 किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको मेट्रो स्टेशन भी मिल जाएगा, और उसके अलावा यहां पर बहुत अच्छे वेल प्लान सेक्टर्स भी है रेसिडेंशियल जी, और उनमें से एक सेक्टर का नाम तो ओमिक्रॉन भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के आने के बाद उसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया, वो नाम पहले से रखा गया था, कोरोना तो अब आया यार, और उसमें भी एक वेरिएंट निकल आया ओमिक्रॉन, है ना। तो बहुत ही सही जगह इस जंक्शन का निर्माण किया जा रहा है, और इस जंक्शन से भी ज्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना उसको देखने में लगता है, क्योंकि इस इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। क्योंकि यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल एरिया पे ध्यान दोगे ना तो देखो, एक आपको मेन कैरेज वे दिखेगा और 2 सर्विस रोड दिखेगा जी, स्ट्रीट लाइट जितनी भी इस पे लगाई गई है इंडस्ट्रियल एरिया में वो सभी के सभी सौर ऊर्जा से चलते हैं। चलिए इस तरफ आपको लिए चलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको क्रॉस करेगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो अंडरपास के साथ साथ रेलवे ओवरब्रिज का भी प्रोविजन यहां पर दिया गया है, और इसी वजह से यहां पर इस वक्त पे आपको ये पिलर्स दिख रहे हैं जिनकी मदद से यहां पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। तो आपको अगर इस जगह से क्रॉस करना है इस इंडियन रेलवे की लाइन को तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं अपने व्हीकल की मदद से, क्योंकि यहां पर फ्लाईओवर आपको दिया जाएगा। और वैसे अगर मैं बताऊं तो करंट में जो इंडियन रेलवे का ट्रैक है और जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां पर आपको 8 ट्रैक यानी कि 8 ट्रैक देखने को मिलेंगे। वैसे इस जगह पर काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो आपको कुछ ज़्यादा काम देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन आगे जब चलोगे ना ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास तो वहां पर काम आपको जरूर देखने को मिलेगा, और उससे पहले भी आपको काम देखने को मिलेगा जी। तो चलिए आपको वहां भी लेकर चलता हूं। इसके बाद इस जगह पर जैसे कि देख रहे हो एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, इसके बाद भी रेलवे ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, और जिस जिस जगह पर रोड है ना उस सभी जगहों पे यहां आपको दिखेगा कि रेल ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। रेलवे फाटक का कोई ऑप्शन इस पर दिया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे रेलवे फाटक की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, रेलवे फाटक की वजह से बहुत सारा डैमेज हो जाता है इंडियन रेलवे को, इसलिए रेलवे फाटक का सिस्टम खत्म। अब हर जगह पे आपको फ्लाईओवर दिखेगा जिसकी मदद से आप रेलवे लाइन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, और वैसे यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी मशीनरी भी दिख जाएगी अगर आप इस स्टेशन पर आते हैं तो। चलिए इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस तरफ क्या कुछ काम किया जा रहा है। इस तरफ से हम और आप होते हुए हैं जिधर इसका स्टेशन है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप इस तरफ खुर्जा की तरफ तो आपको दिखेगा कि यहां पर इस पॉइंट पे भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और इनफैक्ट बहुत सारा काम किया जा रहा है। एक यहां पर आरओवी का भी निर्माण किया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको यहां पर ये जो आप देख रहे हो समझना ये ट्रेन है, ये मशीन है भाई,
मशीन की मदद से यहाँ पर इन ट्रैकों के ऊपर ये जो पत्थर डाले गए ना, इनको ट्रैक के आसपास अच्छी तरीके से बिठाया जा रहा है और वही काम करती है ये मशीन। और इन्हीं आधुनिक मशीनों की वजह से ना काम इतनी तेजी से हो पाता है। ऐसी मशीनरी आपको हमेशा बाहर देशों में देखने को मिलता था, लेकिन अब इस देश में भी आपको ऐसी बड़ी बड़ी विशाल मशीनरी देखने को मिलेगी। जी हाँ, जो कि इस जगह पर डीएफसी की परियोजना पे यूज कर रही है, और कंपनी जो इसके ऊपर काम कर रही है वो है टाटा। चलिए इससे भी और आगे लिए चलता हूं आपको, और दिखाता हूं कि किस तरीके से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को ये क्रॉस करेगा, और वहां पर देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। ये वो पॉइंट है जहां पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ये क्रॉस करेगा। आगे इस तरफ इसका स्टेशन है जहां पर मैंने आपको दिखाया है, और सामने अगर देखोगे तो ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और इसके नीचे से होकर ये ट्रैक डाला गया है। और दो ट्रैक यहाँ भी आपको दिखेगा, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम की अगर मैं बात करूँ तो वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रैक भी डाल दिया जा चुका है, ब्लास्टर भी डाल दिया जा चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के पोल भी लगा दिए जा चुके हैं, ओवरहेड्स भी लगा दिए हैं, और केबल डालने का जो काम है जो पीछे किया जा रहा है इस जगह पर कर भी लिया जा चुका है। इस जगह पर दृश्य बहुत ही कमाल का है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को क्रॉस कर रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और सोचिए क्या दृश्य होगा जब यहां पर मालगाड़ी गुजरेगी और उसको भी आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।